हेलो एवरीवन, धवल दिस साइड फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसेसरीज जो मैंने ऑर्डर करी थी अपने GoPro ब्लैक हीरो 7 के लिए। सो ये एसेसरीज का पैक मेरे को पड़ा था 900 रुपये का, और इन सारे की सारी एसेसरीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कौन कौन सी एसेसरीज इस पैकेट के साथ में आई थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें मिला है वो है एक चेस्ट माउंट, दो जे हुक माउंट, एक एडजस्टेबल सेल्फी स्टिक, एक हेड माउंट, एक सक्शन कप माउंट, एक रिस्ट बैंड माउंट, एक क्लिप माउंट, दो ट्राइपॉड माउंट्स, एक फ्लोटिंग हैंड ग्रिप और एक हैंडल बार माउंट। इस रिव्यू में मैं आपको सेल्फी स्टिक और फ्लोटिंग ग्रिप माउंट का रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि उनका यूज़ तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा क्या होता है। एंड फोर हैंडल ग्रिप माउंट मेरे पास अभी कुछ है नहीं जिस पे लगा के मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ, पर आप श्योरली उसे अपनी साइकिल पे लगाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। बट हम बाकी सारी एसेसरीज़ का रिव्यू ज़रूर करेंगे और मैं आपको उनका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। As you can see, I have mounted this GoPro on my cap, and you can see that it has fitted completely fine, and it is also shake free. So what I'm going to do, I'm just going to go to my vehicle और मैं उसमें आपको उसमें दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा आता है इस GoPro को लगाने के बाद कार के अंदर से। सो आई गेस आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मैं अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ सामने शीशे में कैसे लग रही है। सो आई एम ड्राइविंग माई कार आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि गाड़ी थोड़ी चल भी जाए, क्योंकि अगर टायर काफ़ी देर तक, अगर कार काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर रुकती है तो उस पर सर्टन टायर पैचेस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि यू नो द टायर सरफेस कैन गेट अनइवन। तो इस वजह से आई एम जस्ट यू नो टेकिंग माय कार फॉर अ स्पिन, और इसी साथ में ये डेमो भी हो जाएगा कि कैमरे का हेड माउंट काम कैसे करता है। टू बी अ बिट ऑनेस्ट कैमरे का माउंट थोड़ा सा हैवी लगता है सर पे, सो इट कैन टेक अ बिट टाइम टू गेट एडजस्टेड टू इट। इन सम टाइम यू विल गेट एडजस्टेड टू इट, आई एम प्रीटी मच श्योर। आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी दिख रही होगी। हाउ डस दिस लुक्स, फ्रेंडली एडवाइज, ये थोड़ा सा हैवी है, तो आई विल सजेस्ट यू इफ यू आर अबाउट टू वेयर दिस, सो पुट ए यू नो कैप ऑन योर हेड एंड देन वेयर इट। उससे क्या होगा कि आपके माथे पे जो डायरेक्ट प्रेशर होगा माउंट का वो नहीं होगा, और आप इसे हमेशा थोड़ा सा लूज भी कर सकते हैं, देर आर यू नो वेस्ट टू लूज इट, बट थोड़े से ये यू नो उतारने के बाद थोड़ा सा निशान रह जाएगा आपके माथे पे, तो इट्स फाइन। आई मीन अगर आप ट्रेकिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे किसी ट्रैकिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो हिल साइड जा रहे हैं, तो यू कैन यू नो डेफिनेटली वेयर दिस, और यू कैन वेयर द चेस्ट माउंट, उसका भी मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो उस चेस्ट माउंट का वीडियो मैं कार पे तो नहीं करूंगा, अपनी बाइक पर ही करूंगा। आई जस्ट शो इट अप टू यू कि हाउ दिस माउंट्स परफॉर्म, इनका आउटपुट कैसा आता है, एंड यू नो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑन वेरियस ओकेजन। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा पैक खरीदें जो मैंने लिया था, और वो लिंक, उस पैक का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यू नो आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए, एंड द पैक कॉस्ट इज़ वेरी लेस एक्चुअली, जो एसेसरीज का पूरा पैक है, तो यू कैन श्योरली बाय इट। आई डोंट इवन नो अभी इसका रिसेप्शन कैसे आ रहा होगा वॉइस का, बट सिंस कार में थोड़ा सा यू नो शोर काफ़ी कम है, तो
सो आई गेस अगले वाले कट से आई टेक अ यू टर्न एंड यू नो शो यू ऑन द वे बैक जो सेक्शन कप माउंट है हाउ डज दैट वर्क. सो लेट मी जस्ट गिव द राइट सिग्नल. सो जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस मैंने इस सक्शन माउंट को इस ग्लास पे स्टिक कर रखा है. यही सेम यू नो स्ट्रेंथ एंड ग्रिप आप उस पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे अगर आप इसे अपनी कार के विंड स्क्रीन पर लगाते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है. सो आई हैव इंस्टॉल दिस सक्शन माउंट ऑन माई विंड स्क्रीन car's windscreen. I'm just gonna you know check whether it is supporting it or not. यार इसमें थोड़ा इशू ये आ रहा है कि जो सक्शन माउंट के जो सक्शन पार्ट है वो थोड़ा सा दिख रहा है अभी भी कैमरे के अंदर. I'm not sure कितना सस्टेन कर पाता है ये. और एक बार इसको थोड़ा गड्ढों में से भी लेके जाते हैं, देखते हैं कि ये होल्ड कर पाता है कि नहीं. इस तरह थोड़ा वाइब्रेटरी पार्ट है ये कार का. Does the camera hold together? I guess it's still holding well. अब ठीक हो गया, थोड़ा सा टाइट करना पड़ा था मेरे को इसे. But I would again say कि सेक्शन माउंट की यू नो क्वालिटी जो है वो इट इज ओके ओके सो सो नॉट दैट गुड. आई मीन इफ यू आर बाइंग द होल एक्सेसरी पैक एंड इट विल कम तो आप इसे यूज कर सकते हैं ऑफकोर्स. हाईवेज राइड्स के लिए इट इज़ वेरी गुड. आप अच्छे अच्छे हाईवेज पे जा रहे हैं डूइंग सम यू नो लॉन्ग स्टेट कंट्री फार टूर तो आपको बहुत मजा आएगा. कार्स पे भी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि जनरली हाईवेज पे जो रोड्स होती हैं वो काफी स्मूथ ही रहती हैं. काफी यू नो देर आर नॉट मच पॉट होल्स ऑन द हाईवे रोड्स. So this was the review about this section mount. I hope you liked it. So these two parts are completed, section mount and head mount. Now I'll be going to you know for the chest mount, the handle mount and all those clip mount also. Main uska bhi ek bari review karke dikhata hu aapko. Lekin uska review hum bike pe karenge kaisa lagta hai. So stay tuned for that also. So what I have done, I have mounted this clip mount on my bike's number plate and you can see it is quite well stuck there and it's not shaking also. So what I'm going to do, I'm just going to start the video and show you the output ki kaise aata hai iska output. देख सकते हैं कि इस GoPro को मैंने इस रिस्ट बैंड पे माउंट कर दिया है और इस रिस्ट बैंड की खासियत यह है कि इसको आप 360 डिग्रीज में रोटेट भी कर सकते हैं और इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी है जिसमें आप जिस डायरेक्शन में से रोटेट करना चाहें उसे रोटेट कर दे एंड इस लॉक बटन को प्रेस कर दे तो उससे रोटेट लॉक हो जाएगा और रोटेट नहीं होगा. सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि रियल लाइफ में इसका आउटपुट कैसा दिखता है.
नहीं। So what I have done, I have mounted this GoPro on the chesty and this is how it looks. So what I'm going to do, I'm quickly going to give you the demo ki iska output kaisa lagta hai. So coming to the end of the video, we have reviewed all the accessories which we wanted to do and मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो accessories का pack है ये worth buying है. So अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका link description में नीचे डाल दूँगा, so you can go and check it out. So please feel free to provide any positive or negative feedback in the comment section and अगर आपको video अच्छा लगा हो तो please like my video and subscribe my channel. Thanks a lot.